नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, आज फिर बात चुनावी घमासान की करेंगे, लेकिन ये चुनाव सियासत का नहीं है, ये चुनाव समाज का है। जी हां, आज मैं आपको लिए चलता हूं पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन में जो चुनाव प्रक्रिया 2 फरवरी से और तकरीबन 8 या 10 फरवरी तक, 9 फरवरी तक चलने वाली है। उस चुनावी प्रक्रिया में जहाँ एक अचानक एंट्री हो गई है, और वो भी एंट्री हुई है बड़े वजनदार नाम की, एक जानी पहचानी शख्सियत की, एक ऐसा नाम जो कोलकाता महानगर में अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तित्व से, अपनी सक्रियता से कोलकाता महानगर की विभिन्न सभा संस्थाओं में बड़ी भागीदारी उपस्थित करता रहता है। उस नाम के आने के बाद में इस मारवाड़ी प्रादेशिक सम्मेलन के चुनाव में एक नया ट्विस्ट आ गया है और जबरदस्त घमासान हो गया है। आइए, आज मैं आपको लिए चलता हूं उस व्यक्तित्व के पास जिन्होंने बड़ी शानदार एंट्री की है, और उनसे मिलाता हूं कि जिन्होंने उनकी एंट्री कराने में सहयोग किया है, यानी समर्थन किया है। और उसके साथ साथ हम मिलाते हैं आपको महिला शक्ति से, क्योंकि हिंदुस्तान में नारी के बिना बात अधूरी होती है, हम उनको भी साथ में लेंगे। तो आइए, सबसे पहले कैमरे पर आप जिन्हें देख रहे हैं वो कोलकाता महानगर की जानी पहचानी शख्सियत, बड़े अजीज व्यक्तित्व, श्री सुरेश कुमार अग्रवाल जी, जो कि इस पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के इस 2020 के चुनाव में ताल ठोक करके खड़े हो गए हैं, और उनकी वजह से चुनाव में एक नया रोमांच और नया रहस्य पैदा हो गया है। सुरेश जी हमारे साथ, सुरेश जी स्वागत डिजिटल फर्स्ट न्यूज में। सुरेश जी, अचानक एंट्री कैसे हो गई आपकी? सर, आप बहुत दिनों से ये देख रहे थे। पहले सबसे मैं सबको नमस्कार करता हूँ, मेरे श्रोता को, मेरे जी जो भी मेरे भक्तगण हैं। और दूसरी बात ये कि मैं अचानक एंट्री नहीं है, एंट्री तो मेरी समाज सेवा के अंदर बहुत 30 वर्षों से है, लेकिन इस समाज के अंदर में ऐसा लग रहा था कि कुछ कर्म करने के लिए अपनी सहभागिता करना बहुत जरूरी है जी, जिसके कारण मैं एंट्री लिया। और जो पीछे वाले काम करते आ रहे थे अध्यक्ष पद पर, हो सकता है, लगता है मेरे को कुछ कहीं भूलचुक चल रही है, उनके साथ कोई सामने पे आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, तो मेरे को मेरे साथी ने खड़ा किया। आपके साथी ने आपको खड़ा किया, वो ठीक है, हम उन तक आपके पास जाएंगे, लेकिन आप जो इस रूप में आए हैं, आपको क्या लग रहा है कि अब तक जो लोग हैं वो, उनकी क्या ऐसी चीजें रह गई जो सुरेश कुमार अग्रवाल अगर जीतता है तो उनको पूरा करेगा, ऐसी क्या चीजें हैं? चीजें ऐसी है, बहुत नेगेटिव बोलने का कोई फायदा नहीं है, मतलब ये मैं चाहता हूँ जो उन्होंने नहीं किया वो पूरा करूँगा, और जिसमें जो त्रुटि उन्होंने की है उस त्रुटि को मैं दूर करूँगा। जैसे कि बहुत सी जगह ऐसा कि जहाँ पे अकाउंट खुलाया गया उनको फंड नहीं मिला गया, जो वचन उन्होंने दिया वचन पूरा नहीं किया गया, और काफी अकाउंट्स के अंदर हमें समझ रहा हूँ कि इसमें घोटाला मिला है, तो जो भी घोटाला मिला उसके कोई प्रूफ देने की बात करे तो प्रूफ भी दे सकते हैं। एनी हाउ, समाज के अंदर ऐसा कुछ लग रहा है जैसे कि उन्होंने सेवा करने के लिए शिक्षा के अंदर ध्यान नहीं दिया, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, मारवाड़ी समाज के अंदर जो त्रुटियाँ चल रही है जैसे विवाह के अंदर हुआ, दहेज प्रथा हुआ, इन सबको मैं लेकर चलूंगा। सबके साथ साथ ये भी करूँगा कि बेटियों को पढ़ाने के लिए, स्वरोजगार के लिए, स्वरोजगार में मेरी जितनी महिलाएं हैं, मेरी भाभी है, मेरी बेटियां हैं, मेरी माता है, जो भी है, उनको इस संसार में, आज के दुनिया में सम्मान पूर्वक उनको मिला जाए, और कहीं भी व्यवस्था को पूरा पूर्ण किया जाए, वो सबके लिए मैं ध्यान, आप सब पर ध्यान देंगे। और आपने जब ये एंट्री की, चूंकि ये चुनाव सिर्फ कोलकाता का नहीं है, ये पूरे प्रदेश का है, मतलब पश्चिम बंग का है, तो यहाँ पर आपका परिचय क्षेत्र, चूंकि आप सामाजिक क्षेत्र में हैं इसलिए आपका परिचय क्षेत्र होगा, लेकिन आपको समय बहुत कम मिला है, आपको क्या लगता है कि आप सब लोगों तक पहुंच पाए हैं? मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा तक पहुंच चुका हूं, और समय मुझे कम दिया गया है। मतलब समय, जैसे कि उन्होंने जब भी कोई पॉलिसी है तो उसमें 6 दिन 7 दिन का केवल समय रखकर अनाउंस कर दिया गया, जबकि 21 दिन का पहले टाइम दिया जाता है संस्था से, सम्मेलन के अंदर से। मतलब आपका कहना है कि उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा न हो, ये उन्होंने कोशिश की है। जी राइट, वही सब्जेक्ट वही है, वही खड़ा किया कि उन्होंने चाहा था कि कोई ना आवे, मैं निर्विरोध अपना इलेक्शन, निर्विरोध इलेक्शन में आऊं, लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि समाज को मालूम पड़ा कि यहाँ से गलती हो रही है। सम्मेलन ऑफिस से उन्होंने जो भी कुछ छोड़ा है, जैसे जो कोई भी आपने तालिका छोड़ी है वो सबको दिले करके छोड़ा गया, जानबूझ करके सबको, जम लोग। अच्छा, अब जब आपकी एंट्री हो गई तब औपचारिकताएं पूरी करने में भी विलंब हुआ है? हाँ जी, काफी विलंब हुआ है, औपचारिकता भी विलंब। अभी अभी आपको अपने चुनाव प्रचार करने में भी उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है?
उनकी तरफ से चुनाव प्रचार में कोई प्रॉब्लम नहीं, चुनाव प्रचार मेरा काम है, मेरी संस्था है, मेरी साथ है, मेरी टीम है, मेरी समझ जो भी है शुभचिंतक है, उन्होंने सब मिलकर मेरा चुनाव नहीं, जैसे पोलिंग एजेंट बैठते हैं और होते हैं तो उसमें अगर आपके आदमी जाते हैं तो उनको उनको व्यवस्थित रूप से जगह देना या सहमति देना कि यहाँ आपके लोग आए हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम करने की बहुत चेष्टा की जा रही है उनकी तरफ से, यहाँ तक कि मेरे को एजुकेशन पेपर भी वहाँ पर नहीं दिया जाता है जब जाते हैं मेरी तरफ से आदमी जो पोलिंग। तो आप ये कहना चाहते हैं सुरेश जी कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें अड़ंगे डालने की कोशिश हो रही है? काफी ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा हो रही है। समय नहीं देते कि यहाँ से हम लोग पोलिंग एजेंट भेजें, उसके लिए भी मुझे समय नहीं देते। किस स्थिति के बावजूद सुरेश अग्रवाल आज की स्थिति में अपने आप को किस जगह पर पा रहा है? मैं सबसे ऊपर जगह पर पा रहा हूँ और सभी जगह पर मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है, जिस जगह जा रहा हूँ वहीं बोले जा रहे कि आपका आशीर्वाद है, आप जो भी जीतोगे एक समझ लीजिए कि मतलब आप अपनी जीत को पक्का मान रहे हैं। पक्का मान रहे हैं, बुराइयों के ऊपर में अच्छाइयों की जीत, बुराइयों के ऊपर अच्छाई की जीत। बंधुओं अभी दिवाली का मौसम तो नहीं है, नहीं तो हम बिल्कुल बात वो वहीं ले जाते। होली के मौसम में भी अगर रंग बुराई पर अच्छाई के लगे तो मुझे लगता है वो बात भी अच्छी है। सुरेश जी कोई खास संदेश मारवाड़ी समाज के मतदाताओं को आप देना चाहेंगे? समाज के मतदाताओं को ये बोलूंगा कि इतनी वीक बनिए, आगे से आप आगे आइए, सरकार के अंदर में बहुत सी भागीदारी हम लोग को करना है जिससे कि हम दूर भागते हैं, उससे दूर मत भागिए। आज का दिन ये मौका है कि यदि आप किसी की भी बात को सुनाई करना हो तो सरकार के पास जाना ही पड़ेगा, और हमारे संस्था में ऐसा है या हमारे समाज में ऐसा है कि हम लोग दूर भागते हैं, केवल व्यापार व्यापार पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं, न घर को देखते हैं न बात को देखते हैं। सबसे पहले कि अपनी महिलाओं को साथ लेके चलिए, बच्चों को साथ लेके चलिए, तो हम लोग मतलब एकजुट संगठित होकर चलिए एकजुट। और आप ये चाहते हैं कि मारवाड़ी समाज प्रशासन में सरकार में अपनी भूमिका निभाए, आप ये चाहते हैं? इसलिए हमारे मारवाड़ी समाज के जो युवक युवतियां हैं, जो आने वाली पौध है, वो प्रशासनिक क्षेत्र में आगे जाए, उनकी शिक्षा उस क्षेत्र में हो, इस तरफ भी आपका रुझान मुझे लग रहा है आप जिस अंदाज में बात कर रहे हैं। रुझान है और मैं काउंसिलर के लिए भी मैं चाहूंगा कि मेरे मारवाड़ी समाज से आदमी आगे आवे, क्योंकि जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे तब सरकार भी सुनाई नहीं होगी। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पश्चिम बंग में अभी यहाँ पर चुनाव होने हैं कॉरपोरेशन के, नगर पालिकाओं के, वहाँ पर भी अगर मारवाड़ी समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है तो बहुत बड़ा सुझाव है और बहुत अच्छी बात है। तो सुरेश जी हमसे जुड़े हैं आप, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जा रहे हैं उनके पास जिन्होंने आपका तिलक लगाया, और हमारे साथ इस वक्त कैमरे में देख रहे हैं आप विवर्स मारवाड़ी सम्मेलन हावड़ा के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान शंभू कुमार मोदी जी, इस वक्त हमारे सामने हैं। शंभू जी कैसा लग रहा है आपको ये? आपने तिलक मतलब अपना तिलक तो आपने कुछ महीने पहले करवाया था और उसके बाद आपने एक बहुत बड़ा तिलक सुरेश जी के लगाने की सोच ली है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है कि जब तक किसी भी चुनाव में कोई नहीं होना चाहिए, जब तक मैंने चुनाव प्रक्रिया नहीं हो तो आदमी को समझ में नहीं आता है जी। आज क्या है कि नंद किशोर जी ने काम अच्छा किया, ऐसी कोई बात नहीं है, काम के साथ गलतियां बहुत ज्यादा की है। मतलब आप ये कहते हैं अच्छाई भी रही है लेकिन गलतियां बहुत ज्यादा हो गई। अब जैसे वहाँ पे बच्चों का कंप्यूटर क्लास चलता था आज से 7-8 साल से, उन्होंने आज तक ही बंद कर दिया। अच्छा, तो शिक्षा में बाधा दे दी, शिक्षा में बाधा दी। प्लस क्या है कि आज हम लोग जो मेंबर बनाते हैं उसका एक फंड जाता है संस्था में, तो उसका एक कंट्रीब्यूशन होता है एबीसी करके, तो उन्होंने आज तक किसी भी शाखा को 1 रुपया नहीं दिया। अच्छा, उनको टालते गए। तो फिर आप जैसे आप मैं आपसे सवाल करूं, आपने हावड़ा में जो ये अपनी शाखा हावड़ा में जो अपनी शाखा चलाई है तो उसमें भी आपको फंड की आवश्यकता पड़ती है? हाँ, पड़ती तो है। फिर आपके पास भी फंड उस रूप में नहीं है? आज तक नहीं है। उस रूप में नहीं है कि जो उन्होंने, क्योंकि आपने मेंबर्स और तो बनाए हैं मेरे पास है कि आपने कोशिश की है। अच्छा अच्छा, तो सुरेश जी के अंदर आपको ऐसी क्या खासियत दिखी? चीज है कि कम से कम सुरेश जी होंगे तो समाज सेवी है, लायंस क्लब में बहुत सारे प्रतिष्ठित संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इन लोगों का काम हम लोगों ने देखा है। आपने देखा है? हाँ। अच्छा अच्छा, तो आपको लगता है नया चेहरा, नया अनुभव, नया जोश, हर आदमी को काम करने के लिए मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, जिससे क्या कि हमें फर्क हो कि किसने अच्छा किया, किसने अच्छा किया। आपको क्या लगता है, आपने जिनका तिलक लगाया वो तिलक एकदम सूखते ही, इनका कार्य क्षेत्र देखते हुए आए? अच्छा, अनुभव किया है, अनुभव किया है। तो इनकी जीत आप पक्की कर रहे हैं? एकदम पक्की है, एकदम पक्की है। चलिए, और कोई खास बात? साथ में हमारा पूरा समाज जुड़ा हुआ है, पूरा समाज जुड़ा हुआ है। आपके हावड़ा के वोट कितने हैं? 150 है। 150 वोट है, तो ये 150 वोट तो काफी वजन रखते हैं, एकदम वजन रखते हैं।
तो ये बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, करेंगे। क्या बात है, बहुत विश्वास के साथ। और इस वक्त मैं आ रहा हूं नारी शक्ति के पास। आप जिस चेहरे को देख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है श्रीमती शशि कैसान के नाम से, और ये इनका भी बड़ा एक व्यक्तित्व है। ये भी गृहिणी होकर के भी मैं ये कह सकता हूँ कि समाज सेविका ज़्यादा है। और हमारे यहाँ हावड़ा में फोरम क्षेत्र में जितनी भी गतिविधियाँ होती है, प्रवेश फोरम, वहाँ से इनका बहुत बड़ा नाम हमने सुना है। और हमारे सामने जब ये हैं तो हम इनसे पूछ लेते हैं, नारी शक्ति आपको क्या लगता है, सुरेश जी का चयन अच्छा है? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं एक सेल्फ डिपेंड हूँ, एक अर्निंग मेंबर हूँ, कुछ काम भी करती हूँ, और एक महिला होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि समाज में अगर कुछ प्रगति चाहिए तो परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन बहुत जरूरी है, होगा तो प्रगति है। अच्छा, यह परिवर्तन आप परिवर्तन के लिए करना चाहते हैं, मतलब बदलने के लिए करना चाहते हैं, या कोई खामियां रहे तो? अगर कुछ अच्छा करना है, अगर सुरेश जी 2 साल यहाँ अच्छा काम कर जाए तो फिर आप बोलेंगे अब यहाँ भी परिवर्तन होना चाहिए, वो नया चेहरा आ जाए? नहीं, अगर इनसे कुछ अच्छा वही दिखेगा तो जरूर। क्या बात है, बहुत शानदार, ये बहुत शानदार जवाब आपने दिया। इनसे अच्छा कुछ दिखेगा, दिखेगा। कंपैरिजन में तो जरूर उनको भी रिकमेंड करेंगे। बड़ा ईमानदारी के साथ आपने जवाब दिया। और आप विशेषकर महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं इस चुनाव के लिए? चुनाव के लिए तो महिलाओं के लिए सब आगे आए, क्योंकि महिला भी हर क्षेत्र में आगे हैं, तो चुनाव में भी उनको भाग लेना चाहिए। और वोट किसको देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मैं सुरेश जी के साथ हूँ। सुरेश जी के साथ है तो मैं ये चाहती हूँ कि सब इनके साथ हूँ, सब इनके साथ हो, इनको जिताया जाए। आपकी ये जो है अंदर की जो एक आवाज है वो ये है। चलिए शशि जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं जिस चेहरे को आपके सामने व्यूअर्स दिखा रहा हूँ, वो चेहरा सामाजिक है, सामाजिक के साथ राजनीतिक भी है, राजनीतिक भी बड़ी इनकी पकड़ है और आजकल चर्चा में भी है, क्योंकि ये अभी हमारे नगरपालिका के चुनाव हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट की उम्मीदवारी भी मिली, इनका बड़ा नाम सामने आ रहा है, चर्चा में आ रहा है। और यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि अगर कुसुम मोदी को टिकट मिलती है तो वो सीट निकल सकती है, तो बहुत बड़ी बात है। कुसुम जी हमारे साथ, कुसुम जी क्या लगता है आपको, सुरेश जी पर आपका विश्वास कितना है? आपके पतिदेव ने तो तिलक कर दिया। मेरा विश्वास 100% है, 100% है। सुरेश जी से जब से मिली हूँ और कितनी संस्थाओं में उनको देखा है, नाम सुना है, उस हिसाब से मुझे 100% लग रहा है कि वो हमारी एकदम हमारे समाज के लिए पूरे खरे उतरेंगे और बहुत अच्छा से काम करेंगे, और उनके अंदर जो है काम करने की क्षमता उत्साह, आगे उत्साह बहुत माने रखता है किसी भी कार्य के लिए, तो वो उत्साह हमें देखने को मिली है सुरेश जी के अंदर। तो ये समय कम मिला है कुसुम जी, उसके बावजूद आपको लगता है कि बहुत कुछ आप कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे। कम समय में भी अगर हम सब लग जाए एक साथ होकर के, कोई समय जब हम लोग को काम अगर घर पे करना होता है, समय कम होता है, उसके बावजूद भी होता है, वैसे ये समाज का काम अगर हम सब चाहे मिल करके सब जगह पहुंच जाए कम समय में, अगर टीम को डिवाइड करके भेज दिया जाए तो जरूर हम लोग सफल होंगे और 100% वोट सुरेश जी को। मतलब आप अपने मन की बात को समाज के लोगों तक, प्रदेश का चुनाव है ये, प्रदेश स्तर का चुनाव है, वहां तक पहुंचाने में आपको लगता है कामयाब हो रहे हैं? काफी हद तक आप कामयाब हो रहे हैं। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, जिसके पास सत्ता होती है यानी जिसके पास लाठी होती है, भैंस उसकी होती है। आपको कितनी दुविधा हो रही है अभी, क्योंकि अभी सत्ता आपके पास नहीं है? सत्ता नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, कि मेन डिपेंड करता है हमारे समाज के मेंबर के ऊपर सब कुछ, कि वो क्या चाहते हैं। और सबने नंदू जी का भी काम देखा है और सबको पता है कि उनके काम में कितनी त्रुटियां थी, आगे जाके उस त्रुटियां को दूर करने के लिए सब एक मौका देना चाहेंगे, क्योंकि उनको भी 2 साल दिया गया, आगे जाके सबको दिख रहा है कि सुरेश जी की सब जितनी भी संस्थाएं हैं उनने धार्मिक सामाजिक, हाँ नहीं, सुरेश जी के बारे में धार्मिक सामाजिक और ये साहित्यिक रुचि के भी व्यक्ति हैं, रुचि रखते हैं, तो उस हिसाब से इनका जो है नॉलेज को देखते हुए लोग चाह रहे हैं कि इनको इस बार मतदान मिले और भारी मतों से विजय प्राप्त, भारी मतों से विजय प्राप्त हो। तो ये क्या आप अभी संभावना व्यक्त कर रही हैं या आपको लगता है कि जीत पक्की होगी करीब करीब? एकदम जीत पक्की होगी, हैं? तय कर दिया आपने? चलिए, बहुत बड़ा संदेश, नारी शक्ति को भी हमने जोड़ लिया। और अब एक बार कैमरा में चारों तरफ घुमा देता हूं, अगर कोई बात अगर आपके मन में हो, कुछ आप अपनी बात कहना चाहें। और एक बात इनकी बहुत अच्छी लगी कि नारी शक्ति के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, काम के लिए, पढ़ाने के लिए, इसके लिए, अगर नारी शक्ति के बारे में सोचा जाए तो और हमें क्या चाहिए समाज को। एक नारी होती है जो घर से लेकर के समाज तक पूरा परिवर्तन कर सकती है, अगर नारी के अंदर ये परिवर्तन करेंगे, आगे लाएंगे बहन को बेटियों को, तो समाज बहुत आगे बढ़ेगा। क्योंकि जैसे
जेंट्स लोग समाज के जो होते हैं पुरुष वर्ग, वो क्या काम में बिजनेस में इतना व्यस्त रहता है और नारी के पास घर के अंदर इतना समय होता है कि समाज को दे पाएगी, और एक नारी जग जाए तो समाज बदलने में देरी लगती है। क्या बात है, नारी जग जाए तो समाज बदलने में देरी नहीं लगती। आप कहना चाहेंगी कुछ, कोई खास बात, कोई मैसेज? आप बोल चुकी हैं एक बार, आपने कह दिया। अग्रिम शुभकामनाएं जीत के लिए। अरे बाप रे बाप, समूह जी कोई खास बात कहना चाहेंगे? हमारी यही है कि सुरेश जी जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। जरूर जीतेंगे, हाँ जरूर जीतेंगे। और अब आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा सभी जितने भी सदस्य हमारे साथ हैं उनको मैं हमेशा साथ लेकर चलूंगा, प्रत्येक सदस्य की बात सुनी जाएगी। ऐसा कोई भी सुपर पावर नहीं रखा जाएगा कि आपको मैं नहीं मानता, और हम लोग जड़ से चलेंगे। ये बड़ी बात आपने कही, ये गुटबाजी कुछ नहीं होगी, गुटबाजी कुछ नहीं होगी कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उस ग्रुप का है, ये उस ग्रुप का है, ऐसा नहीं चलेगा। सबकी बात सुनी जाएगी, सबके मन की भावना समझी जाएगी, और जिसके अंदर प्रतिभा है उसको साथ लेकर के उसको सामने। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा ध्यान रहेगा मेरा, समाज सेवा बहुत जरूरी है लेकिन साथ साथ अर्थ सेवा भी चाहिए। अर्थ सेवा के लिए हमने सभी को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ कि हमारे मारवाड़ी समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रतिभा तो है लेकिन काम नहीं है, तो वो जो बात है आपने बहुत सही कही। और हमारे पास ऐसे उद्योगपति भी हैं, अगर उन तक हम उनको पहुँचा दें तो उनका भविष्य बन सकता है। तो ये बात आपने कही है, बहुत अच्छा संकेत है। चलिए सुरेश जी, मैं भी आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। समाज के लिए आप काम करें, जो आपकी सोच है उस सोच को माँ सरस्वती कायम रखे, उसी सोच पर आप आगे बढ़ते हुए समाज को सरस्वती से, लक्ष्मी से और माँ काली शक्ति से संपन्न करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। तो व्यूवर्स, आज आपकी मुलाकात हमने करवाई श्रीमान सुरेश कुमार अग्रवाल जी, जो कि इस चुनाव में, चुनावी घमासान में, और बहुत अचानक एंट्री के साथ एक ट्विस्ट पैदा कर दिए हैं। अब देखना यह है, 9 तारीख तक ये चुनाव चलता है, उसके बाद रिजल्ट आता है, तो ये जो बात है कि विजय श्री वास्तव में किसके हाथ में आती है। लेकिन इतना तय है कि सुरेश जी के आने के बाद एक घमासान जरूर मच गया है, ये तो बात अभी से इन्होंने तय कर दी है। बहुत बहुत आभार। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आभार।